क्या है हमारे टॉपिक का नाम? हमारे सिलेबस में इनर्शिया के 3 टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाम से समझ आ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, किसकी वजह से? तो इसको इनर्शिया नहीं बोलेंगे, इसको पूरा बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जांपल जब कार और बस सडनली स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है और रेस्ट पर ही रहना चाहती है, किसकी वजह से? किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इसी वजह से हमें एक जर्क लगता है पीछे की तरफ, बैकवर्ड जर्क लगता है ना, जर्क मतलब झटका पीछे की तरफ लगता है, होता है या नहीं होता ऐसा? फिर इनर्शिया ऑफ मोशन। नाम से समझ आ रहा है, इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन टेंड टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। पूरा बोलो, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। एक साथ बोलो, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन है जिसकी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। इसका एग्जांपल ये हो गया, जब कार और बस चल रही है तो हमारी बॉडी मोशन में है और मोशन में ही रहना चाहती है, लेकिन जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो कार और बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारी बॉडी मोशन में थी, मोशन में रहना चाहेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इसलिए हमारी बॉडी को एक जर्क लगता है आगे की तरफ, फॉरवर्ड जर्क लगता है, होता है नहीं होता ऐसा? फिर एक आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब हिली एरियाज में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, व्हेन वी गो टू हिली एरियाज, तो हिली एरियाज में क्या होता है, जब कार शार्प टर्न लेती है या बस शार्प टर्न लेती है तो कार और बस तो जाती है राइट में और हमारी बॉडी कहाँ जाती है? या कार और बस जाती है लेफ्ट में और हमारी बॉडी कहाँ जाती है? तो वो उस चेंज इन डायरेक्शन को अपोज करते हैं, तो उस चेंज इन डायरेक्शन को अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बोल रहे हैं? सभी का ध्यान है क्लास में? Yes, सब लोगों को समझ भी आ रहा है? Yes, किस किस को तीनों टाइप्स क्लियर है? सभी को क्लियर है? Yes, चलो फिर पहली हेडिंग बनाओ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और लिख रहे हैं इसके बारे में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें लिखो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट tend to remain at rest, an object at rest tend to remain at rest due to inertia of rest. Due to inertia of rest. Will stop. For example, when a car or bus suddenly starts. For example, when a car or bus suddenly starts. कॉमा वी जर्क, क्या आएगा? बैकवर्ड या फॉरवर्ड? वी जर्क बैकवर्ड, हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, वी जर्क बैकवर्ड। नेक्स्ट हेडिंग बना रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में लिख रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन tends to remain at motion, tends to remain in motion, an object in motion tends to remain in motion due to inertia of motion, due to inertia of motion. Full stop. For example, when a car or bus, when a moving car or bus suddenly stops, then we jerk forward. ठीक है, next heading now inertia of direction. Inertia of direction. The property of an object by which it opposes the change in direction
किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसको अपोज करती है? चेंज इन डायरेक्शन. किसको अपोज करती है? चेंज इन डायरेक्शन. किसको अपोज करती है? चेंज इन डायरेक्शन. उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लिखो, इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. Is known as inertia of direction. For example, in hilly areas, when car or bus take a sharp right turn. अगर कार और बस राइट साइड जा रहे हैं तो हमारी बॉडी कहाँ जाएगी? लेफ्ट साइड जाएगी. शार्प राइट टर्न. देन आवर बॉडी विल मूव टू द लेफ्ट साइड. ड्यू टू inertia of direction. Our body will move to the left side due to inertia of direction. बताओ किस किस को क्लियर है? कोई दिक्कत?